क्या भांग खाई क्या मैं? तो फ्रेंड जैसे कि मुझे उम्मीद थी, पोस्ट ऑफिस वाले हमेशा ही ऐसे करते हैं, चाहे भोपाल के हो इंदौर के हो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को। स्कूल जाएगी तो गीत के लिए मिला है ब्रेकफास्ट में पराठा, और गीत खुद लेकर आई और कहती है कि इसकी रिकॉर्डिंग करो। आप करो रिकॉर्डिंग, दिखा दो, ये दिखा, गुड़िया दिखा दी, अब ये दिखा दो, पराठा दिखा दो, पराठा पराठा दिखाओ, हाँ ऐसे, हाँ ये हाथ रख के दिखा रहे हो, वेरी गुड, ऐसा करके दिखाओ ना, बोलो कि हेलो हेलो गाइस दिस इज पराठा माय ब्रेकफास्ट बोलो। अच्छा ये घर दिखा रहे हैं, यह दिखाओ पराठा दिखाओ। वेरी गुड गीत, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, जाना है स्कूल, पराठा खाना है, ओके। अरे यार फिर से वो आपकी वाली नई वाली चप्पल गायब है और मेरी एक चप्पल गायब है, मतलब चैन से जीने नहीं दे रहे, तो हमको चप्पल तक अंदर रखना पड़ेगा, ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं। दोस्तों मेरी दो चप्पल मतलब नई लेके आए थे जो कि वो घूमी घूम गई है, रचना की एक चप्पल ले गई है। गीत रुको, अभी अपन स्कूल चल रहे ना, शूज़ पहनेंगे तो मैं चल, तो अगर कोई पहन के गया तो ठीक है, मगर रचना की एक का मतलब मेरी पहन के गया और ठीक है तो आ जाएगी वापस, अब चुरा के गया तो ठीक है, मगर एक रचना की एक क्यों लेगा, वो भी ले आया था बेचार, भला ही होता, फेंकते नीचे फेंकी होगी, ओके नीचे फेंकी होगी, देखते हैं चलो। तो दोस्तों गीत जा रही स्कूल आज, भैया गीत क्या पहना, येलो एंड ब्लू जीन्स वायर शूज भी, हाँ बैग पहनो, बैग पे आपको आता ना कैसे पहनते हैं, इधर आके पहनो, इधर आके पहनो, हाँ ऐसा नहीं पहनते, आपको कल ही सिखाया था पापा ने, हाँ ये इधर डालो, वेरी गुड, और ये इधर से हाथ थोड़ा सा मोड़ो, वेरी गुड, अरे थोड़ा मोड़ो भाई, हाँ ये हो गया, चप्पल चोर सोसाइटी हमारी, अच्छा टाइटल लिख देना चाहिए था गीत, अभी रुको पहले शूज़ पहनेंगे फिर, अभी क्यों भजन टांग रहे हो, जल्दी आओ वापस पहन लेते, चलो शूज़ पहन के चलो जरा से दूर आने के, चल 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 बाहर निकलो, गीत लेट हो गए, तो गीत को छोड़ दिया है, अब चलते हैं वापस, तो रचना हमको कहीं जाना है तो देखते हैं कहाँ जा पाते हैं, तो मैं गीत को छोड़ के आया तो रचना नहाने चली गई है, तो कह रही पाँच मिनट आओ, पाँच मिनट रुको, पाँच मिनट बाद हम फिर, जब तक बाहर खड़े रहते हैं, पर यार कौन है यार ऐसा, कौन बदतमीजी कर सकता है कि जो स्लीपर चोरी करे यार, ये तो अच्छी बात नहीं है यार, है ना, ऐसा भी नहीं कोई बच्चे शरारत करेंगे, बच्चे शरारत करते तो एक आध फेंकते, मुझे लगता है कैमरा वहाँ लगाना चाहिए और अननेसेसरी एक्टिविटी को रोकने के लिए वो सबसे बेस्ट है। नालिया जय माता दी, दोस्तों आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अभी गीत को ये छोड़ के आए हैं, 10:20 हो रहे हैं, मुझे जाना है पोस्ट ऑफिस का, मैं कुछ काम है और बैंक में, तो मालवीय जी के साथ मैं जा रही हूँ, और अगर टाइम मिला तो इनको लेकर मैं नर्सरी जाऊँगी पेड़ पौधे खरीदने। चोर चोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जानो प्लीज ना। नर्सरी में गीत जा तो रही, अब क्या दीजिए। ये मुझे नहीं दिलाते होते, मैं केयर में करूंगी, केयर पक्का, मेरा मन है बालकनी का कुछ कुछ करने का। भी करेंगे। जानो प्लीज मुझे ये नहीं करने देते कुछ भी। नहीं नहीं एक घंटा नहीं आऊंगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं, मनाते हैं। कितने सारे डिस्पोजल है यार इसके अंदर। अच्छा यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा मंदिर बन गया है, किसी दिन आपको लेके चलेंगे, बट मंदिर का जो प्रोग्राम हुआ था उसके बाद कचरा ही कचरा हो गया यहाँ पे। कितना गंदा लग रहा है यार। पुरानी गाड़ी होनी चाहिए, कम से कम कुछ स्क्रैच डेंट या कुछ भी हो तो दुख ना हो सामने। देखो देखा भी है कि मेरे को बेवकूफ बना रहे हो यार, मैं तो यहाँ का पोस्ट ऑफिस नहीं देखा है, मुझे सिर्फ ये सा खंड, अच्छा यहाँ सब टूटे हैं, कहाँ है, अच्छा ये है, बंद है क्या आज, सैटरडे सैटरडे थोड़ी ना, तो थर्ड सैटरडे है, तो देखना आगे से गेट होगा, हाँ मैं देखती हूँ, उधर से रास्ता भैया,
तो फ्रेंड जैसे कि मुझे उम्मीद थी, पोस्ट ऑफिस वाले हमेशा ही ऐसे करते हैं, चाहे भोपाल के हो इंदौर के हो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को। एक तो आधा घंटा खड़े रखने के बाद मैंने शुरू में ही पूछा था, भोपाल का अकाउंट है, आप मेरे पैसे वो कर दोगे जो भी मुझे काम था। आधा पूछने के बाद, हाँ कहने के बाद, फॉर्म भरवाने के बाद दो दो तीन तीन कहते नहीं आप जाओ, आप हेड ऑफिस जाओ। तुम घंटों लाइन में क्यों लगवाते हो यार, ये SBI और पोस्ट ऑफिस वाले। आई हेट पोस्ट ऑफिस। एक्चुअली क्या है, मेरे फादर के जाने के बाद जो भी अमाउंट था मैंने मम्मी का सब बहुत सी, ताकि मम्मी से खर्च ना हो जाए, मैंने FD MIS अलग अलग जगह मम्मी के लिए सेविंग करा रखी थी। तो वही रिन्यूअल के लिए, बात करने के लिए, जो भी है, या कहीं और मेरे को ट्रांसफ़र करना था ताकि मम्मी का सेफ रहे, जो भी है। लेकिन हमेशा मैं देखा है, मैंने MIS कितने साल हो गए मुझे, 12 साल हो गए, तब भी यही हाल था, सही से बताते नहीं भाव किस चीज़ का खाते। मैं तो प्यार से सर करके पूछ रही हूँ आपको, लाइन तोड़ के नहीं, बकायदा लाइन में आके। माना काम का फ्रस्ट्रेशन है, पर यार हम तो अच्छे मूड से आए ना। एक बार तो एक बंदे से मैंने पूछा, न्यू रिक्रूट था, मुझे किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो हो सकता है मैंने उससे पूछा कि सर इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है क्या, और क्या मतलब है इन्फॉर्मेशन है क्या, हम यहाँ बैठे हैं हमें सब कुछ आता। अरे भाई मैं तो तेरे से इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ, तू उस डिपार्टमेंट का है या नहीं, वो चिल्लाने लगा। एक तो तू रिक्रूट होके अभी आया, इस तरीके से कैसे बात कर रहा भाई, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई यही ना पूछूंगी कि इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, FD के बारे में या MIS के बारे में, जो भी मैं पूछ रही थी, आपको इन्फॉर्मेशन है तो मुझे दे दो। एक तो क्या डर लगता है इन लोगों से बात करने में, क्योंकि इतना रूट जवाब देते हैं, हम इतना झुक के पूछते हैं, वो धीरे से बोलते हैं। मतलब SBI तो मैंने अकाउंट बंद कर दिया है, ये मम्मी का भी मैं ट्रांसफर करके यहाँ से बंद भी करूंगी। ही मोड़े हो क्या? गीत को लाना है, यहाँ लेट हो जाएंगे। क्या कर रहे हैं, क्या भांग खाएगी? तो दोस्तों ये लाइए नर्सरी, सब पता कर रखा है कहाँ नर्सरी है घर के पास, कहाँ नहीं है। इंडोर के लिए ऐसा एक बड़ा वाला ले लो ना प्लीज, अच्छा सा घर में अपन को खेती करनी इससे है, थोड़ा छोटे कम डेंस, लेकिन ऐसी वाला। क्या कह रही घर में बेची घर, चिड़िया घर और चिड़िया घर बन जाएगा। कहाँ मिट्टू, मिट्टू नहीं बोलता ये, एक ही निकाल दो। गीत नो बेटा, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते ना, प्यार करते हैं ना प्यार। दोस्तों आप देख रहे होगे पीछे बगीचा बना दिया हमारी कार को ये मैडम ने, पूरा बगीचा है कोई। हमारा घर वैसे चिड़िया घर था, अब उसमें फूल फूल मतलब पौधे और आ गए चिड़िया घर में। तो मैडम कैसा लग रहा है आपको पीछे, आए हाय हाय हाय, एक थंबनेल ले लो। तो रचना इतने सारे पौधे क्या करेंगे बेटा, पहले से अपने घर में है। अरे अब बारिश आ गई ना, गर्मी में अपन गए तो एक दो थोड़े कम हो गए पौधे, और केयर करेंगे मजा आता है। मैंने करके देखी, मैंने थोड़ा सा अच्छा। ऐसे मिट्टी से ऐसे वो करके थोड़ा सा किया, ग्रो होते हैं तो अच्छा लगता है। पहले क्या रेंट पे थे तब लगाते नहीं थे, अब अपना घर है तो लगा सकते हैं ना। वेट ही कर रही थी कि क्या कहते हैं वो गर्मी खत्म हो और बारिश का मौसम आए। पहले क्या गीत छोटी थी ना तो हमने कम लगाए थे, और इंडोर क्या गीत फिर मिट्टी में हाथ डालती है नॉल, तो इसलिए मैं वेट कर रही थी। तो अब एक बारिश आ गई है, अब मतलब धूप आई होप धीरे धीरे कम होगी, और मैं सोच रही हूँ कि बालकनी का थोड़ा सा बालकनी में अच्छे से लगाती हूँ इंडोर। पहले गीत की वजह से मुझे डर लगता था, अब थोड़ी बड़ी हो गई है। हाँ वो मिट्टी खा लेती, शुरू शुरू में अपने पास जब गीत था तो उठा के मिट्टी खा लेती थी, इसीलिए फिर पता ना। गीत खुद पानी भी डालती है पेड़ों में, मौसी क्या थी वहाँ बहुत सारे पेड़ है, तो रेगुलरली इवनिंग में गीत अपने हाथों से पानी डालती थी। देख के गड्ढा है। हम और हमारे पौधे चिड़ियाघर। जेनुइन लग रही है यार, बहुत तो रियल लाइफ में आ गई जब। अच्छा अब तेरी रियलिटी खुली यार। तो ये दोस्तों हाथ तो गया है मगर बहुत बड़ा है, और मैं छोटा था नहीं, मैं अच्छा लग रहा है, थोड़ा चिड़ियाघर ही लगेगा घर। फिर भैया भूख लग रही, खाना लगा लो मैडम, ऑफिस जाना है फिर। मैडम आपने खाना खाया, स्कूल से आके खाना खाया आपने? बीच में खा लिया है। भैया आज कर्ड मर्ड सब बना दिए।
गीतू खाना खाएंगे चलो आप कम। दोस्तों आधा लीटर की फेविकोल मंगाई रचना ने, आप बिल्कुल 170। तो वेजिटेबल हमने ले ली है, आलू प्याज सब्जी। तो दोस्तों सबसे पहले पूछते हैं कि फेविकोल आधा लीटर की फेविकोल का करेगी क्या, और जैसे कल वो कंप्लेंट करी थी कि सब्जी नहीं लेकर आए, तो आज माहौल अच्छा हो रहा था पानी करने का, तो मैं लाया हूँ पालक और प्याज। गीत पापा को दिखा दो, पापा को दिखा दो क्या है। गीत दिख रही कि नहीं कैमरे में? पापा गीत पापा को दिखा दो। हाँ गीत आपने किया ये? हाँ वो फेविकोल मंगाया आपने किस लिए? वो कुछ काम है। बढ़िया यार चले तुम लोग तो क्रिसमस ट्री बना दोगे सब। दीदी कह रही थी आपको अगर लग रहा है ज्यादा बड़ा लग रहा है तो यहाँ से साइड से आप काट सकते हो। ये बने हैं आज पकौड़े भजिए, कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ, प्याज के होंगे, आलू के होंगे और पालक के हैं, साथ में फ्रेंच फ्राइज है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा खुशनुमार हुआ था और बाद में हमें धोखा दे गया, बादल इतने तेज हुए कि मैंने कहा रचना पकौड़े बना ले, तो रचना ने पकौड़े बना लिए, मगर देखा जाए तो बादल चले गए वो मेरे पूरा अरमान ठंडे कर गए। जैसे ही पानी गिरता है मुझे पकौड़े खाने का, बाय गॉड इतना क्रेज, इतना मजा आता है बचपन से। तो कल मुझे उम्मीद नहीं थी कि वेब सीरीज इतनी अच्छी होगी, प्लस रचना पूरी रचना देख पाएगी, क्योंकि हाँ, जैसा मतलब मुझे तब भी 1:30 बज गए थे, टीवी बंद करने का मन नहीं था। ठीक है थोड़ी एडल्ट है लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है, वो मतलब सस्पेंस है उसमें, मतलब सस्पेंस था और मज़ा आ रहा था यार, ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छी लगी मुझे तो सस्पेंस, बहुत दिनों बाद कोई सस्पेंस थ्रिलर मैं देख पाई और मुझे एंजाइटी भी नहीं हुई, अच्छा लगा देख के। तो देखो इसको रिव्यू करना नहीं आता, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक ऐसे नौसिखिए कॉन्स्टेबल की कहानी है जो कि अंडर कवर एजेंट बनता है। अगर आप थ्रिलर मूवी बनती है हाँ तो आप अगर ऐसी थ्रिलर मूवी पर देखना पसंद करते हैं जो कि थोड़ा सा क्राइम हो, उसमें अंडरकवर एजेंट हो और सस्पेंस हो, तो ज़रूर देखिएगा। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये दिल से निकली बातें हैं, अब भगवान ने चाहा तो जल्दी पेड प्रमोशन मिलने लगेंगे हमको। आप देख रहे हो हमारे चारों तरफ हरियाली आ गई है, अभी तो रुको जरा सबर करो। तो दोस्तों ये ब्लॉग मुझे लगता है रखना, क्योंकि पकौड़े खाने के बाद मैं शायद कुछ करने लायक नहीं बचूं, और क्योंकि पेट बहुत भारी हो जाएगा, और काश बारिश गिर जाए यार, प्लीज़ यार गिरा दो यार भगवान आधा घंटे सही। कल देख लो क्या होता है, बहुत सारे प्लान हमने सोच रखे हैं मगर हो पाते कि नहीं। हम एक प्रॉपर्टी देखने जाने का हम सोच रहे हैं, अगर कुछ होता है तो भगवान अच्छी मिल जाए तो फिर आपको एक अच्छी गुड न्यूज़ देते हैं। मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखिएगा, जय माता दी, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट में हमको बताइए कि हम कैसे और इम्प्रूव करें।